नमस्कार, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जन्म कुंडली में काल सर्प दोष के ऊपर। काल सर्प दोष जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसे एक राजयोग भी समझते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसे मानते ही नहीं कि ये कुछ नहीं होता है। परंतु मैंने अपने जीवन में लंबे कुंडलियों के फलादेश के अनुभव में ये समझा है कि काल सर्प दोष बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, यानी कि कई बार कुछ लोगों के लिए इतना भयानक रिजल्ट देता है और कुछ लोगों को लाभ भी देता है। अब देखिए, इनमें लाभ वाले कौन से लोग हैं और जिन लोगों की हानि होती है वो किस तरह की होती है, किस तरह की तकलीफें रहती हैं, उन सब के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ये दोष बनता कैसे है, इससे क्या हमें अशुभ परिणाम मिलते हैं, दूसरा ये है कि इसके हम क्या उपाय करेंगे और किन लोगों को इनके लाभ रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि काल सर्प दोष जो है वो बनता है आपके राहु और केतु से, यानी कि जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाए। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे एक जन्म कुंडली है, इसमें आप देखिए कि राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह हैं, यानी कि जैसे राहु जो है वो सप्तम घर में है, केतु जो है वो लग्न में बैठा है और बाकी सारे ग्रह जो हैं वो इनके मतलब इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक काल सर्प दोष का निर्माण हुआ है। जन्म कुंडली में 12 तरह के काल सर्प दोष बनते हैं, जैसे अनंतम, वासुकी, शेषम, पद्मनाभम, तो इस तरह से करके ये जो है वो आपके 12 तरह के काल सर्प है। लेकिन इनमें जो लाभ देने वाले काल सर्प है वो कौन से हैं? सबसे पहले जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम आती है और किस तरह के लाभ, हानियां क्या होती है, ज्यादातर लोगों को नुकसान के योग बनते हैं। अब नुकसान क्या क्या हो सकता है? देखिए, एक तो उसका जिंदगी में कभी भी सेटलमेंट नहीं होता, यानी कि बार बार उसको जो है वो ऊपर नीचे जिंदगी चलती रहती है, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो जिगजैग फॉर्म में चलेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन इसमें एक लाभ क्या है कि जब तक जो है वो एक बार धनवान जरूर होगा, लाइफ में ऊपर जरूर जाएगा, हाँ वहां से गिर के उसी स्थिति पे जरूर आ जाएगा। एक ये सबसे बड़ा प्रोग्राम। दूसरा क्या होता है कि काल सर्प दोष में जो है जातक के साथ अप्रिय घटनाएं होती है, चोट लगने के, एक्सीडेंट होने के और कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर विकलांग होने के योग बनते हैं, परिवार से बिल्कुल नहीं बनती है, उसके जो सबसे प्रेमी और सबसे जो निकटतम व्यक्ति है वो हमेशा धोखा देते हैं, यहाँ तक कि पिता का भी सपोर्ट नहीं मिलता है। काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को अकारण ही लोग नफरत करते हैं और उनको हमेशा ही जो है वो उनको पॉलिटिक्स का शिकार बनना पड़ता है। काल सर्प दोष के जो जातक होते हैं उनके जीवन में कभी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलता, कभी जो है उनको व्यापारिक तौर पे, कभी नौकरी के तौर पे, हर तरह से जीवन में उतार चढ़ाव रहता ही रहता है। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं अब तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इतने में वो जो है वो आदमी वहाँ पे फेल हो जाता है और वो ऐसा लगता है कि मैं 5 साल पहले वहाँ था, आज भी मैं वहीं हूँ, 10 साल पहले जहाँ था वहाँ पे भी आज मैं हूँ। तो इस तरह की जातक के मन में हमेशा ही चीज़ें आती रहती है, उसका कारण है काल सर्प दोष। अब इस काल सर्प दोष का उपाय भी होता है, इसकी शांति होती है, लेकिन किन लोगों को लाभ देता है और कब ये काल सर्प दोष एक राजयोग बन जाता है? देखिए, अगर आपका काल सर्प दोष जो है वो केंद्र में बना है, जैसे कि आपके आपकी स्क्रीन पे जैसे जन्म कुंडली है कि राहु और केतु के मध्य, यानी कि राहु या तो लगन में हो, यानी राहु हो या चाहे केतु हो, क्योंकि दोनों एक्सिस में रहेंगे, अगर राहु लगन में है तो केतु सातवें घर में होगा, अगर राहु चौथे में है तो केतु दसवें में होगा, और अगर राहु जो है वो आपके सातवें में है तो केतु लगन में होगा, इस तरह से। यानी कि तो अगर केंद्र का काल सर्प दोष है तो उसके जातक के जीवन में एक राजयोग बन जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें हैं। देखिए, अगर जातक के जन्म, क्योंकि काल सर्प दोष ये करता है कि जो आपकी जन्म कुंडली का आधा हिस्सा है वो ले लेता है और सारे ग्रह एक साइड में आ गए, इसका मतलब क्या है कि सारा वजन एक तरफ आ गया, सारे ग्रह मतलब आप माने आधी जन्म कुंडली के भावों को तो सिग्निफिकेट करेंगे आधी जन्म कुंडली, यानी कि ऐसा होगा कि बरसात हो रही है, आधे गांव में हुई आधे में नहीं हुई, इस तरह से होता है। तो क्या होगा कि जो काल सर्प दोष जो होगा उसमें अगर आपका लग्न से लेके सप्तम घर में बना, यानी लग्न में राहु या लग्न में केतु या फिर सप्तम घर में राहु या सप्तम घर में केतु, तो सारे ग्रह क्या करेंगे आगे आ जाएंगे, यानी कि लगन सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस और सेवंथ हाउस तक। तो उससे क्या होगा कि वो लोगों को फायदा है जो लोग कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग टीचर हैं, जो लोग अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं न्यूज रिपोर्टिंग या मेरे जैसे मान लीजिए ज्योतिष कर रहे हैं या फिर बोलने से संबंधित कोई इंटरव्यूज ले रहे हैं, उन लोगों के लिए वो एक राजयोग कारक हो जाए, क्योंकि वहां और कई बार कुछ पॉलिटिकल लोगों को भी, जैसे पॉलिटिकली प्रवक्ता होते हैं वो, क्योंकि उनके क्या होता है और जो राइटिंग करते हैं, यानी कि जो आपके किताबें लिखते हैं, जो आपके बड़े बड़े फिल्मों के नाटक लिखते हैं, उन लोगों
क्योंकि वहां पे क्या होता है कि तीसरा घर एक्टिव होगा, उसके साथ चौथा घर, तीसरा भी एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, चौथा एजुकेशन है, पांचवा गुणवत्ता है, छठा जो है कंपटीशन है। तो इस तरह से उन लोगों को लाभ रहेगा। इसी के मुकाबले अगर हम ये देखें कि जो चौथा घर है उससे लेके अगर सातवें दसवें घर में बन जाए, यानी चौथे घर में राहु और आपकी केतु दसवें घर में, या फिर केतु जो है वो चौथे घर में और राहु दसवें घर में, वो ऐसा जो योग है वो उन लोगों के लिए लाभदायक है जैसे जैसे कि जो लोग बहुत बड़े इंजीनियर हैं, फिल्म कलाकार हैं, कोई ना कोई कोर्ट केस कचहरी से जुड़े हुए, या फिर जो भी आपका जुआ सट्टा लॉटरी या फिर ऐसा कोई अनैतिक कार्य है वहां से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को जबरदस्त यहाँ पे लाभ के योग बनते हैं। एक और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जो वकालत के क्षेत्र में है उनको भी लाभ मिलता है। अब अगर मान लीजिए कि किसी जातक का काल जो सातवां घर और लग्न बना और ग्रह सारे के सारे इधर है, यानी कि दसवें घर की तरफ नवें घर की तरफ है, तो वो लोग जज, सीईओ, मैनेजमेंट, विदेशी शिक्षा, विदेशी कारोबार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन लोगों के लिए लाभदायक है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक। अब उन लोगों के काल सिर्फ दो जो चौथे घर में और दसवें घर में बनाए और सारे ग्रह ऊपर है, यानी कि पहले घर में लगन में, बारहवें में, ग्यारहवें में, दसवें में, दूसरे में, तीसरे में, वो लोग कौन होंगे? धार्मिक जो लोग होते हैं, जैसे कि ज्योतिष का काम करने वाले, बोलने वाले, या जो धर्म के प्रचारक हैं, जो धर्म की बातें करते हैं, धर्म विशेष बातें करते हैं, जो इतिहास के जानकार है, या फिर किसी भी तरह से हम कह सकते हैं जैसे हमारे जो संत होते हैं, जो हमारे जो भागवत कथा आपको बोलने वाले होते हैं, ये जो लोग होते हैं इन लोगों को लाभ देते। तो केंद्र का काल सिर्फ लाभदायक है, बाकी अगर काल सिर्फ कहीं पर बनाए तो बहुत ही कम लोगों के लाभ होता है, बाकी लोगों की हानि होती है। काल सिर्फ दोष क्या कहता है कि अगर तुम जहाँ पे बना है जिस लाइन से, अगर उस लाइन में चल रहे हो, यानी कि नदी का जो बहाव है उस बहाव में अगर आप बह रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप विपरीत चल रहे हो तो फिर आपको काल सिर्फ दोष कभी जिंदगी में जीने ही नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि काल सिर्फ दोष केंद्र का लाभ देता है, बाकी जगहों पर बना हुआ हानि देता है। 12 तरह के काल सिर्फ होते हैं, इनमें आपको जो है वो ये जो चार भाव हैं इनके लाभ देते हैं। अब अगर किसी के है तो उपाय क्या करें? सबसे सर्वप्रथम उपाय तो ये होता है कि इसकी एक शांति करानी बहुत बढ़िया रहती है, यानी कि और अगर काल सर्व दोष के साथ अगर कहीं पे पितृ दोष भी है, जैसे राहु और केतु के मध्य और राहु और शनि जो है वो राहु या फिर केतु के साथ है, तो पितृ दोष होता है, ऐसे व्यक्तियों को हो सके तो हर 4 या 6 साल बाद में शांति करानी चाहिए, जिससे कि उनको लाभ होता है। दूसरा क्या उपाय, अगर हम घरेलू तौर पर करें, सस्ता उपाय करें, तो इसमें क्या होता है कि भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ देवता की पूजा करिए, लाभ होगा। गरुड़ मंत्र आता है, गरुड़ यंत्र आता है, उनकी पूजा करिए। इसका एक काल सर्प का यंत्र आता है, उसको स्थापित करिए, उसका यंत्र के बाद उसका एक मंत्र आता है, जैसे अनंतम वासुकी से संपद नाभम च कमलम शंखपाल दत्तराज संतक्षकी काली एतानी नव नामा, ये नाग जो 9 नाग है, तो इस तरह से आप इन 9 नागों का नाम लेते हो तब भी लाभ होता है। होते 12 प्रकार के जो है वो नाग होते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करिए और शिव तांडव स्त्रोत्र, सबसे बड़ा उपाय है शिव तांडव स्त्रोत्र या मानस पूजा, लेकिन तांडव स्त्रोत्र ज्यादा लाभदायक रहता है। तो शिव तांडव स्त्रोत्र के आप अगर रोज करते हो उच्चारण तो आपको लाभ जरूर होगा। और भी बहुत सारे उपाय होते हैं लेकिन ये सरल है, फ्री है और बहुत बढ़िया। इसके अलावा गाय और कुत्तों को रोटी दीजिए, वो सबसे सर्वोत्तम होता है। और गाय, गंगा, गीता और गायत्री, यानी कि गंगा का स्नान करिए, गीता का जाप करिए और गायत्री माता का जो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जाप करिए, आपको लाभ रहेगा। तो इस तरह से अगर हम सारी चीज़ें करते हैं, नाम, जप, दान पुण्य, पाठ पूजाएं, तो और समझ के चलते हैं तो हमें ये काल सर्प दोष लाभ भी देता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।